वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, जिस तीव्रता से हमें प्रकाश प्राप्त हो रही है सूर्य से या आकाश से, उसको स्क्वायर कह रहे हैं, ऊर्जा से बनी है। ये क्या है? ये भी है एनर्जी। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, क्योंकि हम मैटर है। ये बात समझ में आई? ये बात नहीं समझ में आई तो आप वास्तु क्या, ज्योतिष क्या, कुछ भी कर लोगे, नेगेटिव एनर्जी क्या है नहीं समझ पाओगे। ठीक है? सो एनर्जी इज इक्वल टू मैटर, अभी हमने लिखा नहीं तो सी स्क्वायर है कि नहीं? मैं अपने से कुछ नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल साइंस है कि नहीं? अगर इसका वैल्यू 1 है, सपोज मेरा वैल्यू 55 केजी है, तो E is equal to 55 into C square मेरा ऊर्जा होगा। और यहाँ 9 फिर वो ढूंढने की हम कोशिश करते हैं और हम अपने आप को ये ट्रैक पर करें, काला जादू या कुछ भी नेगेटिव में दिखता है नोडल पॉइंट, इसका मतलब है कि यहाँ पे शायद स्पिरिट हो सकती है, शायद नहीं हो सकती है। अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, अभी शायद ये नोडल पॉइंट है, मेबी इट कैन कंटेन अ स्पिरिट राइट नाउ। हम इसकी चमका, इसका रेडियस, इसका और नहीं, तो हम क्या करेंगे? कॉन्शियस एनर्जी है, आदर इट कैन बी अ स्पिरिट, आदर इट कैन बी अ कॉन्शियस बॉन्ड, बोन्स इनसाइड इट, कुछ भी कॉन्शियस है जिसमें जान है, प्राण है, सोचने की क्षमता है, बिकॉज स्पिरिट इज नथिंग बट ए कॉन्शियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नथिंग मोर देन दैट, और इसके ऊपर कुछ नहीं होता। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे हमारे अंदर एक है, ये पॉइंट इन लाइन मतलब एक प्लस का निशान बन रहा है जहां पे नोडल पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़कर ये 275 से लेके 290 तक का ऑयल है, इतना बड़ा ऑयल और एक्यूरेसी में जाना है, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी जब होगी तब वो एग्जैक्टली उसको क्षमता उसकी हम दिल मुझे क्या करना है, यही करना है आपको, क्योंकि वास्तु में आप यही ठीक कर रहे हो। लेट मी टेल यू, वास्तु नहीं ठीक कर रहे हो आप, आदमी को ठीक कर रहे हो। क्यों दिक्कत है उसको? अब सारे मेंबर्स ऑफ द हाउस को वही रहेगा, क्यों उस घर ही नहीं प्रोवाइड कर रही है जो चाहिए, इजंट इट? तो दूसरी बात, ये स्वादिष्टाना चक्र, स्वादिष्टाना चक्र मैंने बताया कोई भी आपसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बताता है, मुंह से लेके एनस तक कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आदमी को गले में हो, पाइल्स हो, एनस में हो, या इनडाइजेशन हो, या गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे फेफड़े, फेफड़े का केज जो है, रिब्स का केज, इसके बीच में है, नाभि इधर है, यहाँ पे है, और ये बहुत इम्पोर्टेंटली सिचुएशन लगा सकते हैं। कोई एक क्लाइंट आपके पास आया कि इसकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, इसके घर की कंडीशन क्या है, ये क्या क्वेश्चन पूछने वाला है मेरे से, किस लिए आया है मेरे पास?